हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुहाना रेसिपीज। आज हम लोग सिर्फ एक चम्मच तेल से बनाएंगे एकदम चटपटा सा नाश्ता। ये खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होगा। इसे हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स या फिर छोटी छोटी भूख के लिए बना के खा सकते हैं, और इन्हें बनाना भी बहुत ईजी है। तो चलिए बनाते हैं। ये हमारे इंग्रीडियंट्स हैं: 2 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही, 2 कटे हुए प्याज, 2 कद्दूकस की हुई गाजर, 2 मैश टमेटोज, 2 शिमला मिर्च, 1 कटी हरी मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून सांभर मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च एंड ऑयल। अब सूजी में ही हम 1 कटोरी दही डाल देंगे। इसी में हम आधे प्याज डाल देंगे। ग्रेटेड कैरेट्स भी इसी में ऐड करेंगे। थोड़े से टमाटर, 1 कटा हुआ शिमला मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इन सब चीजों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर अलग रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। इसे हमें स्टीम करना है, इसलिए हम इसको गैस पे थोड़ी देर के लिए चढ़ाकर ऐसे ही रख देंगे। अब हम इस तरीके की एक जाली लेंगे और उसमें ऑयलिंग से ग्रीसिंग कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा बैटर एकदम रेडी है। इसी बैटर से अब हम बड़े के साइज के बॉल्स बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। दोनों तरफ अच्छे से होल भी कर लेंगे। जब बड़े हमारे बन जाएं तो हम इसे ऐसे एक एक करके रखते चले जाएंगे। इसी ग्रीसिंग की हुई प्लेट को हम गैस पे कढ़ाई के ऊपर चढ़ा देंगे। स्टीम होने के लिए हम इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। दस मिनट बाद हम लिड को ओपन करेंगे। ये देखिए, हमारी बड़ी का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे दूसरी तरफ भी पका लेंगे। सारे बड़े पलट चुके हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए फिर से स्टीम होने देंगे। आफ्टर 10 मिनट सी, दोनों तरफ से हमारे बड़े स्टीम हो चुके हैं। इन्हें हम एक एक करके प्लेट में सेपरेट कर लेंगे। सी, इसमें जरा भी ऑयल यूज नहीं हुआ है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा फ्राई भी करेंगे इसे चटपटा बनाने के लिए। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। सी, जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे जो हमने थोड़े से बचा लिए थे। प्याज को ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। जब इनका कलर हल्का चेंज हो जाए तो हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। थोड़े से टमाटर भी हमने बचा के रख लिए थे, इसको भी इसी में डाल देंगे। जब ये हल्का सा पक जाए तो इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च भी डाल देंगे। 1/2 चम्मच सांभर मसाला डाल के हम इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। 5 मिनट के लिए हम इन सब चीजों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
ग्रेवी अच्छे से बन चुकी है। अब हम इसमें एक एक करके बड़े डालेंगे। इनको आगे पीछे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हरी धनिया से इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। हमारे बड़े रेडी हैं सर्व करने के लिए, लुकिंग यम्मी। इसको थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें चिली फ्लेक्स भी हल्के से स्प्रिंग कर देंगे। एक एक बड़े को सेपरेट कर लेते हैं प्लेट में। ये खाने में बहुत हेल्दी है, प्लीज एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। एंड इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। थैंक यू।